अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी वो उन मुर्गियों के लिए रहेगी जो दाना बराबर नहीं खाते हैं और वज़न उन लोगों का कम होते जाता है। गर्मियों की वजह से भी दोस्तों दाना बराबर नहीं खाते हैं मुर्गे मुर्गियाँ और बच्चे, तो हम उन लोगों के लिए एक सीरप लेंगे हमदर्द से। वो शरबत बुजुर्ग मुख्तबिल बोलकर आता है दोस्तों, हम उसको पानी में किस तरीके से मिलाना वो मैं बताता हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये है देखिए दोस्तों शरबत बजूरी मुहतदिल, ये हमदर्द पे मिल जाएगा दोस्तों ये। और हम ये एक 2 ml का सरंज ले लेंगे और 1 लीटर पानी ले लेंगे। अब हम ये इसको ज़रा थोड़ा हला लेंगे। ये शरबत से दोस्तों मैदे की गर्मी हट जाती और भूख भी खुल जाती उन लोगों को। ये 2 ml उतना ये सिरप ले लेंगे दोस्तों। ये सरंज में क्वांटिटी बताने के लिए लिया हूँ दोस्तों, मैं सरंज में 2 ml का सरंज जो लिया हूँ। ये हम 2 ml ये पानी में मिला देंगे, ये 1 लीटर पानी में मिला देंगे 2 ml। और ये सिरप डालने से दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। इसको ज़रा अच्छा हिला लेंगे अब हम। और ये मैदे की ठंडक के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ये पानी हम मुर्गे मुर्गियों को, मुर्गी के बच्चों को, सबको रख दे सकते दोस्तों। ये दिन तमाम रख सकते पानी उन लोगों को पीने के लिए। ये तो दोस्तों हम पानी उन लोगों को पीने के लिए रख देंगे और ग़िज़ा में हम लचना और बाजरा देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से देना है लचना और बाजरा हम। ये देखिए दोस्तों, मैं ये लचना 1 किलो लिया हूँ, लचना यानी कि रागी दोस्तों। और बाजरा ले लेंगे, 1.25 किलो बाजरा लिया हूँ मैं ये, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लचना की क्वांटिटी ज़्यादा होना है दोस्तों और बाजरे की क्वांटिटी कम होना है, इसलिए हम लचना 1 किलो लिए और बाजरा 1.25 किलो लिए दोस्तों। अब हम ये दोनों को मिक्स कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे एक जगह, लचना और बाजरे को। और लचने की मिजाज ठंडी होती हैं दोस्तों और बाजरे की मिजाज जो है गर्म होती हैं, तो उस वजह से हम गर्मियों में लचना ज़्यादा लेंगे और बाजरा कम लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है दोस्तों, ये देखिए मिल गया उन्हें, मिक्स हो गया। अब हम इसको पानी में भिगा लेंगे लचना और बाजरे को, ज़रा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए मैं इतना लिया हूँ लचना और बाजरा मिक्स। और आप लोगों के पास अगर ज़्यादा जानवर है तो ज़्यादा ले सकते हैं, आप लेकर भिगा सकते हैं। इसको हम धो लेंगे, अब साफ़ कर लेंगे। जो ऊपर भूसा वगैरह आता है दोस्तों वो वेस्ट रहता, वो ये देखिए ऊपर आया है। ये देखिए ये भूसा है ऊपर, हम इसको थोड़ा पानी डाल के और फेंक देंगे दोस्तों, इसको निकाल देंगे ऊपर का ये भूसा जो वेस्ट है, ये साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे और एक बार पानी डालकर साफ़ कर लेंगे। ज़रा ऐसा मल लेना देखिए दोस्तों, कचरा वगैरह साफ़ हो जाता, धूल गलत कुछ लगे हुआ भी है उसके ऊपर तो साफ़ हो जाता। ये देखिए मैल निकला है, ये फेंक देना हम। ये देखिए और थोड़ा साफ़ कर लेंगे हम पानी डालकर। अब ये तो मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा भी जानवर है तो आप ज़्यादा भिगा सकते हैं ये। और एक दिन पहले हम भिगने रख देना है ये पानी डालकर,
दाना डालने से उलों खिलाने से एक दिन पहले हम शाम में भिगने रख देंगे। ये अब ये देखिए दोस्तों, ये साफ़ हो गया, इसमें भूसा वगैरह निकल गया। अब इसमें हम पानी मिला लेंगे, पानी मिलाकर एक दिन के लिए रख देंगे इसको शाम में, और सुबह में हम खिला सकते हैं ये दाना। भिगा कर ऐसा रखने से दोस्तों इसकी गर्मी निकल जाती है और ये मोहतदिल हो जाता है दाना। ये देखिए दोस्तों, मैं शाम में भीगने रख दिया था ये पानी में। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे, थोड़ा और साफ़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। और एक बार थोड़ा पानी डाल के हम अच्छा साफ़ कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसका पूरा पानी निकाल लेंगे हम, और अब इसको हम एक 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद दोस्तों हम ये उन लोगों को खाने के लिए रख देंगे। दोस्तों अगर हम शाम में नहीं भिगाते हैं तो हम दाना डालने से 2 घंटे पहले भी इसको भीगने रख दे सकते हैं दोस्तों। 2 घंटे के बाद में पानी निकाल कर खिला सकते हैं। और हम 4-5 बजे के टाइम पर दोस्तों टमाटर, प्याज और पालक कट करेंगे, कट कर कर डालेंगे लोगों को। छोटे बच्चे अगर है तो बिल्कुल बारीक काटना, अब बड़े जो है उन लोगों को उनके हिसाब से काट कर खिला सकते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं काट कर बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से काटिए, बारीक काटिए बच्चों के लिए। और गर्मियों में ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, उन लोगों के मैदे में ठंडक मिलेगी, पेट में ठंडक मिलेगी और दाना वगैरह भी खाने लगेंगे वो लोग, और ये ग़िज़ा भी बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों उन लोग। ये देखिए दोस्तों, मैं प्याज को कट कर ले रहा हूँ, और बच्चों के लिए बिल्कुल बारीक कट करना दोस्तों, और बड़े मुर्गियों के लिए मीडियम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं हम, जितना वो खाते हैं। प्याज से भी बहुत अच्छा उन लोगों को डाइजेशन भी होता है और मैदे में ठंडक मिलती है। ये पालक है देखिए, पालक को भी मैं बारीक बारीक कट कर ले रहा हूँ, बच्चों के लिए और बारीक कट करना दोस्तों, जैसा कि वो खा सके वैसा। ये पालक जो है दोस्तों, ये बहुत अच्छी आयरन वगैरह रहता पालक में, और ये सब मिला के देने से दोस्तों विटामिन्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, और जो अंडे देने वाले मुर्गियां होते हैं वो अंडे ज़्यादा देते हैं ये चीज़ों से। ये देखिए मैं तीनों को भी कट कर लिया हूँ, अब हम ये खिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से खा लेते हैं। टमाटर दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ होती है जिस्म में खून बढ़ने के लिए, और पालक जो है दोस्तों उसमें आयरन होता है जो खून की मकदार को बढ़ाने में मदद करता है। और दोस्तों प्याज में विटामिन सी होती है, प्याज हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और जिस्म में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती हैं, जिससे बीमारियों से बचे रहते हैं। गर्मियों के मौसम में दोस्तों हम इसी तरीके से वो लोग को ग़िज़ा देते रहेंगे तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, और भूख भी खुल जाएंगी वो लोग की। बच्चे बड़े सबको ये ग़िज़ा दे सकते हैं हम। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं दोस्तों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।